हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष और आप सभी का स्वागत करता हूं एके ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र के 5 यूज़फुल ट्रिक के बारे में। आपको पता होगा कि क्रोम ब्राउज़र हर कोई यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको 5 यूज़फुल ट्रिक बताऊँगा जो कि आप जब क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो उस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एक बेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ इस चैनल पर इसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। क्रोम ब्राउज़र का 5 यूज़फुल ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहला ट्रिक जो है दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हमारा क्रोम ब्राउज़र का होम पेज है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे गूगल सर्च आप सभी के क्रोम ब्राउज़र पर आता है। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे कि मान लीजिए दोस्तों, गूगल सर्च में आप किसी भी टॉपिक पर सर्च कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं विकिपीडिया, ठीक है, हिंदी, तो आप देख सकते हैं विकिपीडिया मैंने सर्च किया। आप किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सर्च करते हैं गूगल पर, उसके बाद उसका सर्च रिजल्ट आता है, चाहे आपका कोई नोट्स से रिलेटेड हो या फिर दोस्तों कोई भी आप यहां पे सर्च करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आप सर्च किए हैं उसका एक पीडीएफ फाइल आप बना के अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो मान लीजिए दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल अगर हमें किसी भी फ्रेंड को शेयर करना है तो हम सिंपली इसे सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन उसका क्वालिटी जो है सही नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट जो है कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको एक शेयर का बटन दिखेगा यहाँ पे, आप शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका जो है ये पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं जो है सेव कर सकते हैं इसे, और उसके बाद दोस्तों आप इसे जो है अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल पीडीएफ में जाएगा, इसमें वही क्वालिटी रहेगा जो क्वालिटी आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है। तो ये था पहला ट्रिक, आप किसी भी टेक्स्ट का जो है आप यहाँ से बहुत ही आसानी से पीडीएफ फाइल बना करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सेकेंड ट्रिक बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा पेज ओपन करके रखा है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूट्यूब का पेज है, उसके बाद देख सकते हैं सेकेंड पेज जो है विकिपीडिया का है, उसके बाद थर्ड पेज में देख सकते हैं गूगल का है, उसके बाद दोस्तों और एक पेज है विकिपीडिया का। तो बहुत सारे पेज ओपन करते हैं, अगर हम अलग अलग पेज पर जाएंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ये टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अलग अलग पेज में जा कर के क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीका से किसी भी पेज में पहुँच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्च बार है, इस सर्च बार में आपको जो है स्लाइड करना है। राइट की ओर ऐसे स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक आप दूसरे पेज में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको स्लाइड करना है, सिर्फ सर्च बार में ही आपको स्लाइड करना है, तभी आपका पेज जो है स्लाइड होगा। अगर आप नीचे करते हैं तो नहीं होगा, आपको यहीं पे करना है सर्च बार में करना है। जैसे आप स्लाइड करेंगे आप तुरंत जो है दूसरे पेज में पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है टैब में क्लिक नहीं करना है। तो ये था दूसरा ट्रिक। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा ट्रिक की ओर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने एक नया पेज ओपन कर लिया है क्रोम ब्राउज़र में, और अगर हमें मान लीजिए यहाँ से कुछ भी हमको हिसाब करना है, जैसे हमको यहाँ से प्लस करना है या माइनस करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने क्रोम ब्राउज़र को एज ए कैलकुलेटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च बार में हमको जाना है, मान लीजिए दोस्तों हमको यहाँ पर करना है 200 प्लस, फिर आपको यहाँ पे करना है अगर 5, फिर प्लस करना है 8, तो आपके पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक इक्वल टू दिख रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं ये अपने आप जो है प्लस होते जा रहा है। चलिए मैं आपको फिर प्लस करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं माइनस किया, यहाँ पे जो है ये माइनस हो गया, इसका रिजल्ट नीचे आ गया। अगर आप कैलकुलेटर को ही यूज़ करना चाहते हैं क्रोम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू का जो है साइन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, यानी इस लोगो पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका क्रोम ब्राउज़र में ही जो है आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारा कैलकुलेटर का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अपने क्रोम के होम पेज में ही यहाँ पे दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था तीसरा ट्रिक। अब हम बात करते हैं चौथा ट्रिक। दोस्तों मान लीजिए आप कुछ भी सर्च करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और आप नहीं चाहते हैं कि उसका सर्च डाटा जो है आपके क्रोम ब्राउज़र में सेव हो, तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 डॉट में क्लिक करना है, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू
इनकोग्निटो टैब, यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद, और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपका क्रोम के सर्च रिजल्ट में नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे google.com सर्च किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया उसके बाद दोस्तों ये जो सर्च हिस्ट्री जो है, मैंने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा इसका जो सर्च हिस्ट्री है हमारे क्रोम ब्राउजर पर कोई भी सर्च हिस्ट्री नहीं रहेगा। फिर आप यहाँ से इसे जो है क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम पाँचवा ट्रिक की ओर बात करते हैं। तो दोस्तों हम बहुत सारे जो है सर्च करते हैं क्रोम ब्राउज़र में, और हमारा जो सर्च का जो रिज़ल्ट होता है वो हमारा जो है कुकीज़ में सेव हो जाता है, साथ में हिस्ट्री में भी सेव हो जाता है। तो हम उसे एक एक करके अगर क्लियर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो हम एक साथ में जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक हिस्टोरी का ऑप्शन है, इस हिस्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करते हैं तो इसका सारा हिस्टोरी जो है यहाँ पे रह जाता है। तो दोस्तों अगर आप एक साथ में क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम रेंज का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 24 आवर तक का डिलीट कर सकते हैं, या फिर लास्ट 7 डे, या फिर लास्ट 4 वीक का, या फिर ऑल टाइम का। अगर मुझे ऑल टाइम का डिलीट करना है तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप क्या क्या इसमें आपको डिलीट करना है। जैसे कि अगर आप पासवर्ड सेव करके रखे हैं तो उसे आप यहाँ पर अनचेक कर सकते हैं, या फिर ऑटोफिल डेटा है आपके पास तो उसे आप अनचेक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ को आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर डेटा कर देना है। जैसे आप क्लियर डेटा करते हैं तो क्रोम ब्राउजर का सारा हिस्ट्री जो है आपका जो है डिलीट हो जाता है एक साथ में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर को यूज़ करते समय। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया है कि आप कैसे इन 5 यूज़फुल ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं आप अपने क्रोम ब्राउजर को यूज़ करते समय। दोस्तों इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस जो है मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड और भी ट्रिक अगर आपको देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।